बिग बॉस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा साह। औरंगाबाद से एमएलसी प्रत्याशी अनुज कुमार सिंह ने स्थानीय प्राधिकार कोटे के विधान पार्षद सीटों के चुनाव में गड़बड़ी की गोपनीय परंपरा की पोल खोली है। श्री सिंह ने सोमवार को एमएलसी चुनाव के लिए हो रही वोटिंग के दौरान औरंगाबाद प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित बूथ का जायजा लेने के बाद सत्ता पक्ष से नहीं होने के बावजूद वोटिंग की व्यवस्था पर बेहद संतोष जताया है। पूरी बात को खोले बगैर इशारों में कहा कि स्थानीय प्राधिकार के एमएलसी चुनाव में पहले वोटिंग में क्या होता रहा है या आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, लेकिन संतोष की बात यह है कि यहां ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि मत पेटी पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष रखी है, जिससे उन्हें यह साफ दिख जा रहा है कि वैलेट लेने वाले किस वोटर ने वैलेट को बॉक्स में डाला या नहीं। गौरतलब है कि स्थानीय प्राधिकार कोटे का एमएलसी चुनाव धन बल के प्रयोग को लेकर बदनाम रहा है। इस चुनाव में ऐसे कथित खेल होते रहे हैं जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अनुज सिंह ने ऐसे ही खेल के बारे में इशारा किया है। सूत्र बताते हैं कि स्थानीय प्राधिकार कोटे के एमएलसी चुनाव में यह होता आया है कि नोट के बदले किसी खास उम्मीदवार को वोट करने वाला वोटर बूथ पर जाकर अपना वैलेट तो ले लेता था, लेकिन उसे मत पेटी में डाले बगैर सादा ही लेकर उम्मीदवार के कैंप में चला आता था। कैंप में वैलेट पर उसे उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग की जाती थी। इसके बाद वोट किए हुए उस वैलेट को उसी बूथ पर वोट देने जा रहे वोटर को दे दिया जाता था। वह वोटर बूथ पर मिला अपना वैलेट सादा लेकर कैंप में आता और पहले से मिले दूसरे वोटर के वोट किए वैलेट को मत पेटी में डाल देता था। इस तरह पैसे देकर वोट ले रहे उम्मीदवार और उनके समर्थक इस तरह की प्रक्रिया अपनाकर पूरी तरह से आश्वस्त हो जाते थे कि उन्हें ही वोट मिला है। अनुज सिंह का इशारा इसी ओर था और उन्हें स्थानीय प्राधिकार कोटे के एमएलसी चुनाव के पूरे सिस्टम के हर पहलू की बारीकी से बारीकी जानकारी अन्य उम्मीदवारों से इस कारण ज्यादा है क्योंकि वो पहले गया जिले से निकाय कोटे से ही एमएलसी रह चुके हैं। कोई परेशानी नहीं है, हम लोग 8 बजे से मतदान शुरू था तो हम लोग देखने आए थे कि व्यवस्था क्या है। तो सबसे अच्छी बात प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के कि पारदर्शिता है, बक्सा जो है तो रखा हुआ है इसी के पास अधीन पदाधिकारी के पास कि कोई भी आदमी वोट दे के और वोट बक्सा में बैलेट डाल के ही जाएगा। कभी कभी ऐसा होता था लोग बैलेट बाहर लेके निकल जाता था, तो ये अच्छा व्यवस्था है जिला प्रशासन में। क्या पहले उसको शिकायत मिल रहा था क्या? आप लोग भी मालूम है पहले क्या होता था, जीतने का चीज़ है आपको मालूम होगा तो बताएं। आपको भी मालूम है। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।